अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है इसको हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। हिंदुओं ने आस्था साथ है सौथी मोटी रमत। बालाजी ना भोग ने करी न खायो अपवित्र। तिरुपति ना महाप्रसाद मा महापाप कोणे करियो। धर्म ना धाम मा अधर्म नु षड्यंत्र। भगवान ना जे दरबार मा करोड़ों हिंदुओं माथू टेकवे छे त्यां हवे विधर्मियों नी नजर पड़ी होवानो आरोप लाग्यो छे। तिरुपति बालाजी मंदिर मा अपाता लाडू ना प्रसाद बनाववा मा प्राणियों नी चरबी नो उपयोग करायो। अत्यार सुधी तो आ मात्र एक आरोप हतो, परंतु नेशनल डेरी डेवलपमेंट ना रिपोर्ट मा हवे तेनी पुष्टि पण थई गई छे। एनो स्पष्ट मतलब छे के करोड़ों हिंदुओं नी आस्था ना केन्द्र मा बनता प्रसाद ने पण नॉनवेज बनावी देवायो छे। એટલા માટે જ આંધ્ર પ્રદેશની ચંદ્રબાબુ સરકાર એક્ટિવ થઈ અને હિન્દુઓની આસ્થા સાથે ખિલવાડ કરનારા સામે એક્શનની તૈયારીની વાત કરી। દેવન દગ્ગર બેટે પ્રસાદમ અપવિત્રં જેસે વિધંગા આરોપ છે કે તિરુપતિ મંદિરના પ્રસાદમાં જે ઘીનો ઉપયોગ કરાયો તેમાં ભેળસેળ કરાઈ। નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે તિરુપતિ બાલાજી મંદિરના લાડુમાં માછલીનું તેલ અને પ્રાણીઓની ચરબીની ભેળસેળ કરવામાં આવે છે। આ ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે ચંદ્રબાબુ નાયડુએ આંધ્રપ્રદેશની અગાઉની સરકાર પર આ મામલે આરોપ લગાવ્યો। ચંદ્રબાબુએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પૂર્વ સીએમ જગનમોહન રેડ્ડીની સરકારમાં તિરુપતિ મંદિરના પ્રસાદમાં પ્રાણીઓની ચરબીનો ઉપયોગ કરાતો હતો, પરંતુ હવે શુદ્ધ ઘીનો ઉપયોગ કરાઈ રહ્યો છે। જો કે ચંદ્રબાબુના આરોપોને જગનમોહન રેડ્ડીની પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ વાયબી સુબા રેડ્ડીએ નકારી કાઢ્યા અને કહ્યું કે રાજકીય લાભ ખાટવા માટે ચંદ્રબાબુ કોઈ પણ નીચલા સ્તરે જઈ શકે છે। ચંદ્રબાબુએ તિરુપતિ મંદિરની પવિત્રતા અને કરોડો હિંદુઓની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડી છે। તો જગનમોહન રેડ્ડીના બહેન અને કોંગ્રેસ નેતા વાયએસ શર્મિલાએ આ સમગ્ર કેસ સીબીઆઈને સોંપવાની માંગ કરી। આ તરફ અયોધ્યાના સંત જગતગુરુ પરમહંસ લાલઘુમ થયા અને એવો દાવો કરી નાખ્યો કે તિરુપતિ બાલાજી મંદિરના લાડુમાં જે ચરબીની વાત છે એ ગૌ માંસ છે, જો કે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આ અંગે પુષ્ટિ નથી કરતું। અગર કેન્દ્ર સરકાર ઇસ પર સખ્ત નહીં હુઈ તો 100 કરોડ હિંદુ हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है इसको हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। आखिर जब मक्का में हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर हिंदू मंदिरों में माला फूल बेचने वाले मुसलमान कहां से आ जा रहे हैं? मुसलमान क्यों जो है मठ मंदिरों के अगल बगल दुकान लगा के बैठे हुए हैं? यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश में 99% मुसलमान जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको इसी तरह की शिक्षा दी जाती है कि हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट कैसे किया जाए, हिंदुओं की हत्या कैसे की जाए, हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कैसे किया जाए, हिंदू बहन बेटियों की हत्या कैसे की जाए, ये मदरसों में शिक्षा दी जाती है। और ये लगातार घटनाएं आ रही हैं। यस, इस घटना ने झकझोर दिया है और अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। राक्षसों के वध का समय आ गया है देश में। अब या तो सरकार इस पर जो है कठोर कदम उठा ले कि किसी भी मठ मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी मुल्ला वहां न उसका घर होना चाहिए, न मकान, न दुकान, न कोई उसका। इस तरह की घटनाएं हो रही है।
ऐसे भी बालाजी के प्रति पूरे देश नहीं पूरे विश्व की आस्था वहाँ टिकी हुई है। एक परम पवित्र स्थान है, वहाँ पे लोग प्रसाद लेने जाते हैं सनातनी, और ये समझते हैं कि यहाँ से हमें शुद्ध मिलता है। लेकिन आप देखिए, जैसे थूक जिहादी हैं, जैसे मूत्र जिहादी हैं, कोई चीज़ में थूक के देते हैं, मूत्र करके देते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने हमारी पवित्रता को, हमारी शुचिता को, हमारी जो धार्मिक आस्था उसको ठेस पहुंचाई है, हमारी भावना को ठेस पहुंचाई है। जगन मोहन रेड्डी का स्थान अब बाहर नहीं, जेल में सलाखों के अंदर होना चाहिए। और उन्होंने और कितने हिंदू सनातन मंदिरों पे या सनातन धर्म का नुकसान किया, इसकी जाँच तत्काल जो है वर्तमान चंद्रबाबू नायडू सरकार जो है बैठाए।